निक्की तंबोली की किडनैपिंग हो गई थी जब वो 19 साल की थी। ये सीक्रेट जो है निक्की ने शेयर किया था, लेकिन अब निक्की की मम्मी आगे आई हैं और उन्होंने इन सारी बातों का जिक्र किया है। उनकी मदर का कहना है कि निक्की वही गेम खेल रही है जैसी कि वो रियल है। उसके पूरे बिग बॉस के शो में ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ भी एक्टिंग कर रही हो, वो रियल में भी ऐसी ही है। वो हमेशा अपनी बात रखती है और वो हमेशा जो है अपनी बातों पर कायम रहती हैं। तो निक्की की मम्मी ने स्पॉट बॉय को इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि निक्की हैज़ बीन व्हाट शी इज सिंस डे वन। शी हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय हर वर्ड्स एंड सेड दैट शी इज देयर टू प्ले द गेम एंड विल ऑलवेज फोकस ऑन इट्स विनिंग। वो हमेशा इसी बात पर ध्यान देगी कि उसकी जीत हो और वही उसका प्राइम मोटिव भी होगा। वो फेक नहीं करती, उसकी पर्सनैलिटी फेक है ही नहीं, यही रियल में निक्की है। इतना ही नहीं, वो आगे कहती हैं कि जब उसने रिवील किया था किडनैपिंग का स्क्रीन पर, वो मैं मानती हूँ कि सच है और हमने ही उसको कहा था कि इस बारे में तुम कभी बात नहीं करना, लेकिन अब वो मैच्योर है, उसको पता है कि क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है उसके लिए। और मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व है, वो बहुत साहसी लड़की है और बहुत स्ट्रांग है, जबकि वो उस घर में सबसे छोटी है, उसके बावजूद जो है वो कितनी साहसी और करेजियस और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये जो है निक्की की मम्मी ने एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि हाँ उसकी किडनैपिंग हुई थी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो सुनकर उनका ये भी कहना है कि वो भी बहुत दुखी हुई थी, रोई थी, लेकिन उनका ये मानना है कि अब निक्की जो है मैच्योर हो चुकी है, उसे पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अगर निक्की ने अपनी मर्जी से शेयर भी किया है तो उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे पता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में लाइफ में क्या कर रही है। तो वहीं अब निक्की के एडिक्शन की भी खबरें आई हैं, हालांकि कितनी सही है कितनी गलत या आज के एपिसोड को देखकर समझ में आएगा, लेकिन राहुल वैद्य के एविक्शन पर बवाल मच गया है सोशल मीडिया पर और हर कोई इस बात की मांग कर रहा है कि राहुल वैद्य को शो में वापस लाया जाए।